हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ AK पब्लिक स्कूल बकारो। आज हम लोग क्लास 7 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक 2013 एक्सप्रेस। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वेरिएबल, आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। वेरिएबल आर द एरिया ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी एलोकेटेड टू होल्ड डाटा। यू हैव ऑलरेडी यूज द वेरिएबल इन यू बेसिक। नाउ लेट अस सी हाउ टू वर्क विथ वेरिएबल इन विजुअल बेसिक। देखिए, वेरिएबल का जो है वो क्या, कंप्यूटर मेमोरी में ऑलरेडी होल्ड डाटा करता है वो। इसे हम लोग यू बेसिक में पहली बार पढ़ चुके हैं इसके वाले। अब इसमें कैसे हम लोग यूज़ करते हैं वेजर बेसिक में वो पढ़ेंगे। वेरिएबल का नेम, विल नेमिंग द वेरिएबल इन विजुअल बेसिक यू शुड बी अवेयर विद द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, इट मस्ट बी लेस देन 255 कैरेक्टर्स। सेकेंड, इट शुड नॉट कंटेन स्पेस और पीरियड्स। थर्ड, इट मस्ट नॉट बिगेन विथ ए डिजिट। ठीक है, इसके लिए हम लोग को नेम वेरिएबल के लिए पहला हम लोग का कुछ चीज़ को हम लोग को मानना पड़ेगा कि हम लोग 255 कैरेक्टर्स लेस वर्ड होना चाहिए। उसके बाद प्लेस स्पेस और पीरियड नहीं होना चाहिए किसी के बीच में, वर्ड के बीच में। और को जब भी हम स्टार्ट करेंगे कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब डिक्लेइंग वेरिएबल का क्या है, यू शुड डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर यूजिंग देम बाय असाइनिंग नेम एंड डाटा टाइप। द जनरली फॉर्म ऑफ डिक्लेइंग अ वेरिएबल इज द वेरिएबल नेम एज द डाटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल, ईएमपी नेम एज स्ट्रिंग, डीम सैलरी एज इंटीग्रेटेड, डीम परसेंटेज ऑफ एज सिंगल। यानी देखिए, वेरिएबल के लिए हम लोग को करने के लिए सबसे पहले अपना नेम और डाटा टाइप लिखना ज़रूरी है। नेम होना चाहिए, उसका डाटा टाइप कैसा है। तो हम लोग का इसमें कैसे होगा, हम लोग लिखेंगे डीम। इसको लेन के लिए वेरिएबल के डीम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नाम। और कैसा होना चाहिए, कोई स्ट्रिंग चाहिए, सैलरी चाहिए, इंटीरियर नंबर चाहिए 0 से 9। ठीक है, परसेंटेज चाहिए कि कितना सिंगल है। ठीक है, इस टाइप का हम लोग का एग्जाम्पल है इसका। दे आर मैनी डाटा टाइप इन विजुअल बेसिक। दे ओनली कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज डाटा टाइप आर गिवेन बिलो। जो हम लोग को मोस्ट टाइम जो डाटा टाइप यहाँ दिया हुआ है, स्ट्रिंग क्या है, इट होल्ड द अल्फाबेटिक कैरेक्टर, न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स विथ विच कैलकुलेशन कैनॉट बी परफॉर्म। इसके साथ कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होता है। इंटीग्रेट क्या था, इट होल्ड होल नंबर, इट होल्ड माने पूरा नंबर को होल्ड करता है वो। सिंगल का, इट होल्ड होल फंक्शनल नंबर। फंक्शनल नंबर माने जो हम नंबर फंक्शन में यूज होता है। अब क्या, यू कैन डिक्लेम मल्टीप्लाई वेरिएबल इन वन लाइन डिस्प्लेइंग ईच विथ ए कॉलम कॉमा। देखिए, इसी से हमने दिया हुआ डीन एम्प्लॉय नेम है एस स्ट्रिंग, सैलरी एस इंटीग्रेटेड, परसेंटेज एस सिंगल। यू कैन डिक्लाइन मोर देन वन वेरिएबल ऑफ द सेम डाटा टाइप लाइक दिस। अब हम लोग एक टाइप का डाटा को सेम लिख सकते हैं। देखिए, डीन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एस इंटीग्रेटेड। इस तरह का हम लोग एक की ज़्यादातर लिख के ये एक इंटीग्रल में एक वेरिएबल में डाल देंगे, एक डाटा टाइप में डाल देंगे। अब असाइनिंग ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वैल्यू टू ए वेरिएबल का। आफ्टर डिक्लेइंग ए वेरिएबल यूजिंग द डीम स्टेटमेंट, वंस कैन असाइन a value to the variable using as an
असाइनिंग स्टेटमेंट, आप क्या इसमें असाइनिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे? द जनरली फॉर्म्ड ऑफ द असाइनिंग स्टेटमेंट इज, जनरली हम लोग इसी तरह का यूज़ करते हैं, वेरिएबल का कंस्ट्रेंट और एक्सपेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन नम करके वन लिखे इक्वल टू 50, नम टू 225, नम थ्री नंबर वन नंबर टू डिवाइडेड बाई नंबर टू मल्टीप्लाई डबल टू। अब क्या देखिए, ये एप्लीकेशन के बारे में आपको जान परसों के इससे पहले क्लास में आपका क्लास सिक्स में आपका ऑपरेटर क्या है, एडिशन है, सबट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, एक्सप्रेशन है, डिवीजन है, इंटीग्रेट डिवीजन है और मोडलेस है, इसको MOD कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल दिया पूरा इसका। अब क्या है, क्रिएटिंग ए एप्लीकेशन विथ न्यूमेरिकल वैल्यू, आप कैसे देखिए ऑटोमेटिक का भी आपका ऑपरेशन बाकी है ऑपरेटर। ऑटोमेटिक ऑपरेटर इज यूज टू वेरिएबल बेसिक और सोन एज टेबल गिवन। सिंपल हम लोग है ऑटोमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज़ करेंगे, ये आपका टेबल आपको दिया हुआ है जो आपको यूज़ करते हैं, ये सब ऑटोमेटिक ऑपरेशन है। अब क्रिएटिंग एप्लीकेशन विथ न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे करते हैं, लेट अस नो क्रिएट ए एप्लीकेशन टू मल्टीप्लाई टू नंबर, मल्टीप्लाई का टू नंबर के लिए। फर्स्ट क्या, ऐड द फॉलोइंग कंट्रोल टू द फॉर्म, थ्री टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल टू इंटर द टू नंबर एंड वन दैट वी शो द आउटपुट। एक जो होगा पहले हम लोग दो नंबर के लिए होगा और दूसरा जो आउटपुट के लिए जो उसका रिजल्ट निकलेगा। फोर लेबल कंट्रोल टू डिस्प्ले द हेडिंग एंड कैपिटिंग एंड इंटरिंग द टू नंबर, पहले जो फोर्थ वाला क्या करेगा, तीसरा वाला तो कंट्रोल करेगा नंबर और इसके लिए तीन बॉक्स होने का, दूसरा जो है हेडिंग और कैपिटिंग और इंटरिंग के लिए दो नंबर का और उसका एंड आउटपुट के लिए। वन बटन टू कंट्रोल, वन बटन क्या होगा कंट्रोल के लिए। सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्रोल एज गिवन इन द टेबल, रिसाइज द बटन वन एज द नेसेसरी, आफ्टर द सेटिंग प्रॉपर्टीज द फॉर्म विल लुक एज शो इन स्क्रीनशॉट, डबल क्लिक द मल्टीप्लाई बटन, दिस विल बी ओपन द कोड ऑफ विंडो, द कर्सर विल बी बिटवीन द प्राइवेट सब एंड इंटर सब लाइन, इंटर द कोड ऑफ द फॉलोइंग। पहले हम क्या होंगे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में आपका देखेंगे टैक्स मल्टीप्लाई टू नंबर, इसमें हम लोग फॉन्ट बोल्ड इसके सब हम लोग पूरा चूज कर लेंगे, लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर करके टैक्स वर्क करके इस तरह का पूरा हम लोग सेलेक्ट करके बटन वन क्या आएगा टैक्स को मल्टीप्लाई फॉर्म बोल्ड 15, ठीक है। तो हम लोग को इस तरह से फॉर्म का कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। ये इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है, प्रॉपर इसका जो इसका एडिशन करने के लिए। अगर इसका हम डबल क्लिक करके इसको हम लोग को इसका कोडिंग कैसे मिलेगा, देखिए डबल क्लिक मल्टीप्लाई बटन का डालेंगे, ये वाला बटन है जो हम लोग को डालेंगे, इसमें क्या होगा हम लोग को इस तरह से आपको कोडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो कोडिंग इस तरह से रहेगा और कर्सर जो होगा आपका हमेशा इस दोनों के बीच में रहेगा, तो ये वाला आपको कोडिंग खुलेगा, प्रोग्राम कोडिंग मल्टीप्लाई टू टू नंबर, कोडिंग क्या होगा मल्टीप्लाई टू कोडिंग का, तो ये रहेगा कंप्यूटर लैंग्वेज जो रहेगा। अब है अब नोट डाटा इंटर इन द टैक्स बॉक्स इज द स्ट्रिंग डाटा टाइप, द VL फंक्शन कन्वर्ट इन टू द नंबर सो दैट इट कैन बी यूज द फॉर मल्टीप्लीकेशन। फोर सेलेक्ट द फाइल सेव ऑल टू सेव द प्रोजेक्ट, प्रेस F5 टू इंटर द प्रोग्राम, इंटर द नंबर इन द टैक्स बॉक्स, क्लिक द मल्टीप्लाई एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर अपेयर इन द टैक्स बॉक्स दैट नेक्स्ट टू द आपका प्रोडक्ट्स। यानी इस तरह का आपको फॉर्म डॉक्ट मिलेगा, पहले नंबर हम लोग कुछ भी नंबर डाल सकते 15 या पर 10 लिखा हुआ है और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, इसके बाद आपको यह रहेगा आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देगा आउटपुट में। अब कॉन्केटेनेशन के बारे में, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट कॉन्केटेनेशन
इन एक्सेल के बारे एक्सेल में हम पढ़ चुके हैं। इन दिस फीचर द मोस्टली यूज टू जॉइन टू और मोर स्टेनिंग वैल्यू टूगेदर। यू कैन यूज दिस प्लस और द एंड ऑपरेटर फॉर द एडिंग स्ट्रिंग वन एंड आफ्टर अदर। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या था, हम लोग प्लस यूज करेंगे या ये वाला साइन यूज करेंगे एंड का। ये हम लोग दो चीज़ को जोड़ने, इसमें हम एक्सेल पर पढ़ चुके हैं ना, दो चीज़ को जोड़ के कर जोड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो स्ट्रिंग जोड़ता है वन अथवा अनादर तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट करते कॉन्क्रीगेशन कहते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लेट अस क्रिएट ए विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट टू इंटर द फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। On beginning, click the button which will display the full name in the responsibly next text box. हम लोग क्या, हम लोग पहले की इसके लिए हम लोग का मिडिल नेम और इसको हम लोग करेक्ट करेंगे क्या, कुछ बेसिस में हम लोग फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फुल नेम के लिए हम लोग टेक्स्ट का रिस्पॉन्डली के लिए टेक्स्ट बॉक्स के लिए पहले क्या स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 2030 एक्सप्रेस एंड क्रिएट द विंडो फॉर्म एप्लीकेशन नेम द अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्लेस द फाइव लेबल कंट्रोल फोर टेक्स्ट बॉक्स होगा कंट्रोल एंड वन बटन टू कंट्रोल द फॉर्म। ये वन बटन टू कंट्रोल द फॉर्म। सेट द प्रॉपर्टीज फॉर द फॉर्म एंड कंट्रोल अस गिवन इन द टेबल। डबल क्लिक ओके बटन टू गेट द कोड ऑफ द विंडो एट द लाइन शो बिलो। अब क्या देखिए, इसको हम लोग को प्रॉपर्टीज में लेबल वन लेबल टू थ्री फोर और फाइव इससे हम लोग पूरा को करेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पर भी कर लेंगे इनेबल करके फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को बटन ओके करके इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको आखिर ही ये वाला बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, या फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। पहले हम लोग लेवल वन में कैंसिलेश फॉर्म का कितना बोल्ड होना चाहिए वहाँ पर वो चीज़ दिखाएगा, कितना सब कुछ जो टैक्स के आने पर यहाँ पर लेबल करके लिखना पड़ेगा हम लोग कंट्रोल बटन में। यहाँ पर कंट्रोल बटन आप देख चुके होंगे बहुत सारा होता है आगे में। तो हम लोग यहाँ पर देखिए लेबल करना है, तो लेबल वाला में हम लोग यहाँ पर ले टैक्स करना है, तो टैक्स इस यहाँ पर से लेके हम लोग पहले करके प्रॉपर्टीज में चूज करके खूब पूरा चीज़ बना लेंगे टेबल टाइप का। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे ओके करके, तो यहाँ पर आपका ये वाला बटन तभी आता है। उसका डबल क्लिक करेंगे ओके को, तो हम लोग क्या करेंगे ये वाला आपको क्या कोडिंग दिखाएगा, इसका मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज दिखाएगा, जो वो वाला ये वाला आपका पूरा कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम दिखाएगा। फिर सेलेक्ट द फाइल करके ऑल सेव ऑल टू द सेव द वर्चुअल एप्लीकेशन को हम लोग सेव करेंगे, सेव ऑल करके प्रेस F5 टू रिटर्न द एप्लीकेशन। हम लोग को दोबारा एप्लीकेशन आने के लिए F5 डालना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, आ गया, हम लोग सेव कर लिए फाइल को। इंटर योर फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम इन द रिस्पेक्टिवली टेक्स्ट बॉक्सेस एंड क्लिक द ओके बटन। द इंफॉर्मेशन अपेयर इन द फुल फॉर्म टेक्स्ट बॉक्स। फॉर्म वन कंसीडरेशन नेम है कुमार है, के है शर्मा है, या फुल नेम आपका के लिए ओके डाल दीजिए। ओके डालते ही आपका पूरा नाम आ जाएगा जिसने आपका आउटपुट में फाइनल आउटपुट में। पहले हम लोग क्या करना है, फॉर्म को पहले इस तरह से हर फॉर्म को बनाने के लिए एप्लीकेशन बनाने के इस तरह से टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। उस टेबल में हम लोग को जो भी चाहिए जैसा भी चाहिए वह हम लोग टेबल कलेक्ट करते हैं, लेबल लेते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, बॉक्स लेते हैं और ओके बटन एक कंट्रोल बटन जरूर लेते हैं। उसका यह करके हम लोग ओके करते हैं, इसके बाद ही आपका कोडिंग आता है। ये कोडिंग ही आके आपके पास तभी आपको फाइल को पहले सेव करना पड़ता है, सेव करते ही आपको बैक करना पड़ता है फाइल को, तभी आपका ये वाला जो मिडिल नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम दिखाता है। तो आप लोग वहाँ जाके हम लोग लिखेंगे, लिखे के बाद ही ओके डालेंगे ना फुल आपका फुल नेम यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को वर्जन में आपका बनता है।
का एप्लीकेशन। चलिए ये लास्ट टॉपिक था आपका, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है सब। पहले सारे टॉपिक पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।